हिमाचल में गहराया वित्तीय संकट। सितंबर महीने की 3 तारीख होने के बाद भी नहीं आई कर्मचारियों को सैलरी। हिमाचल के इतिहास में यह बार कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मैं कमल कृष्ण शर्मा, महासचिव, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ। जैसा कि आपको विदित है कि कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था, इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली, और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी कि 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसने कई तरह के बिल देने होते हैं, दवाई के बिल देने होते हैं, दूध का बिल देना होता है, किराएदार के पैसे देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी है और लोन की किस्तें देनी होती हैं, और भी कई इस तरह की जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। लोगों को यहाँ हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, तो हम सब्जी ले जाने लायक हैं ना दूध ले जाने लायक हैं। एक कर्मचारी ने तो यहाँ तक बताया कि आज उनने चाय भी जो है बिना दूध की पी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। एक कर्मचारी ने बताया कि आप कुछ ना कुछ कदम उठाइए, इसमें संगठन से आग्रह किया कि उसकी पत्नी का जो इलाज है PGI से चल रहा है, उसने टेस्ट कराने हैं, तो उसके पास आज टेस्ट कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो इसी तरह की परेशानियों से हमारे कर्मचारी जूझ रहे हैं। तो ये तो हम यहाँ की बात करें, इसी तरह की परेशानियों से पूरा प्रदेश का कर्मचारी जूझ रहा होगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि बजट में जो है सैलरी का प्रावधान कर दिया जाता है, सैलरी के साथ साथ 2 DA की किस्तों का भी प्रावधान होता है और बजट में पास किया जाता है। विनम्रता यह है कि बजट पास होने के बावजूद आज सैलरी क्यों नहीं मिली, इस बारे में ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी की गई, ना इस तरह की कर्मचारियों को कोई सूचना दी गई, इसलिए भी कर्मचारियों में इसके बारे में बहुत रोष है। धन्यवाद। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है, और दुर्भाग्यवश जिन जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। हैरानी की बात है कि इसके इस प्रकार के आदेश, या तो सरकार पहले बोलती कि हम अभी सैलरी देने में असमर्थ है, और ताकि कर्मचारी अपने आप को एडजस्ट करता, अपने आप को अपने जो खर्चे उस प्रकार से उस खर्चों की योजना बनाता, लेकिन एक साजिश के तहत इस प्रकार का काम किया है और प्रदेश कर्मचारी वर्ग हताश है, निराश है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारी को 1 तारीख को 2 तारीख को सैलरी नहीं आई है और उनको बैंक में जा के रिक्वेस्ट करनी पड़ रही कि भैया हमारी किस्त जो है कुछ समय के बाद आप काटें। दुर्भाग्यवश इस व्यवस्था परिवर्तन में ऐसी उम्मीद सरकार से नहीं थी। प्रदेश कर्मचारी वर्ग जो डिमांड करता है, मांग करता है, उसको दबाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। इसलिए मेरा प्रश्न उन सभी चाटुकार नेताओं से है जो सरकार की चमचागिरी करने में व्यस्त है, अपने आप को NGO के अध्यक्ष बोलने में लगे हुए हैं, कभी एक संगठन चुनाव कराता है, कभी दूसरे संगठन के लोग चुनाव कराते हैं, और ये सारे के सारे लोग वो है, मैं माननीय मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूंगा, ये सारे के सारे लोग वो है जो पिछली बार आदरणीय जयराम ठाकुर के आगे पीछे घुमा करते थे, इनसे बच के रहिए, ये आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। कुछ कर्मचारी लोग ऐसे हैं जो जिन सरकार के आने के साथ साथ पूरा जब भी सरकार कोई भी सरकार आती है उसकी चमचागिरी करने में लग जाते हैं। तो प्रदेश के कर्मचारियों की मांग, उनके भत्ते सैलरी आपको देनी पड़ेगी, वक्त पे देनी पड़ेगी। आज प्रदेश का कर्मचारी वर्ग बार बार मांग कर रहा है कि हमारे जो भत्ते हैं जो आपने नहीं दिए, हमारा जो एरियर है जो आपने नहीं दिया है, वो आपको देना पड़ेगा। हम मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपना संदेश देना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की जो जो कर्मचारी आपके पास आके अपनी मांग को रखता है,
उसको आप स्थानांतरण करके दूर दराज के क्षेत्र में आप भेज देते हो। कर्मचारी की मांग को दबाने का ये कोई तरीका नहीं है, इसलिए आप जो सैलरी से संबंधित जो पहली बार ऐसा हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं, विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से आप बचें। और वो जो चाटुकार जो आपके आसपास घूम रहे हैं, हम उनका पूरा का पूरा काला चिट्ठा लेके आपके पास आएंगे, पूरा का पूरा काला चिट्ठा पब्लिक के सामने रखने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो इनसे अभी यहां आपको भी बचना पड़ेगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।